50 में क्या जोड़ दे कि 25 हो जाए, इस पर हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था और वो वीडियो हमारी वायरल हो गई थी और उस पर आज भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो गैस आज उसी टाइप का एक वीडियो और लेके आए हैं और ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाई 45 अगर हम माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि भाई 45 में अगर 45 माइनस किया जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीका से, जैसे 45 लिखने के बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद 45 लिखेंगे तो शायद जीरो आएगा और ये यही सही है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि भाई 45 में से अगर हम 45 को ही माइनस करेंगे ना तो जीरो बचेगा। बट आज की वीडियो में हम 45 में से -45 को ही माइनस करेंगे लेकिन हमारा आंसर 45 आएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका से माइनस करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले प्लस का चिन्ह लगाएं फिर माइनस का चिन्ह लगाएं फिर प्लस का, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। केवल 45 जैसे लिखते हैं 45, उसी तरीका से 45 हम लिख देंगे आपके सामने और जस्ट उसी के नीचे दोबारा 45 लिखेंगे और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटा देंगे ना, उसके बाद आंसर 45 ही आएगा। कैसे करना, क्या करना है, सब कुछ आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या ये संभव है कि 45 में से 45 घटाने पर आंसर 45 ही आएगा? अगर संभव होगा तो इस वीडियो में हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो यार वैसे तो हम जब 45 में से 45 माइनस करते हैं ना तो हमारा आंसर 45 आता है, तो कैसे आता है चलते हैं आपके साथ शेयर करते हैं और आपको भी सिखाते हैं कि भाई आप भी ऐसा घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो में कैसे घटाना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी अनेबल कर देना। तो वीडियो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए अब हम माइनस करेंगे, 45 में से 45 को माइनस करेंगे और देखेंगे आंसर 45 ही आएगा। कैसे माइनस करना है, तो गाइस अगर आप इस तरह लिखेंगे जो सभी लोग लिखते हैं 45 तो ये जीरो ही आएगा और यही सही होता है। बट आज हम कुछ नया तरीका से आपको 45 में से 45 ही घटाएंगे आपके सामने और आंसर 45 ही आएगा। तो कैसे क्या करना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कुछ इस तरीका से 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो चलिए इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 7 28 8 36 और 9 45, तो ये टोटल 45 हो गया। अब हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पहले 9 से शुरुआत किए थे अब हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसे भी अगर हम जोड़ेंगे तो 45 ही आएगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 7 28 8 36 9 45। अब इसे हम माइनस करेंगे, तो चलते इसे हम घटाते हैं। तो कैसे आप देख पाएंगे हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया है और ऊपर 45 है नीचे 45 है, तो हम 45 में से 45 ही घटाएंगे और आंसर 45 ही आएगा। तो चलते घटाते हैं, तो यहाँ 11 में से 9 गई 2 और यहाँ 11 में से 8 गई 3, यहाँ 12 में से 7 गई 5, 13 में से 6 गई 7 और 14 में से 5 गई 9, 5 में से 4 गई 1, 7 में से 3 गई 4, 8 में से 2 गया 6, 9 में से गया 8। अब इसे हम जोड़ेंगे तो शायद ये भी 45 आएगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, 8 6 14 4 18 1 19 19 9 28 7 35 5 40 3 43 2 45। तो आंसर 45 आ गया, कितना अच्छा हमने घटाया, 45 ऊपर लिखा और नीचे 45 लिखा और माइनस का चिन्ह लगाया, मतलब 45 में से 45 हमने माइनस कर दिया और आंसर 45 आ गया। तो बहुत अच्छा तरीका है, जिसके सामने एक बार आप पूछ लेंगे ना तो चकित हो जाएगा कि यार ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन आप इस तरीका से घटा के दिखा सकते हैं तो है ना कमाल का ट्रिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अनेबल कर दें। तो बस आज की वीडियो में इतने, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय। आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं ना।